हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज बजट सत्र था तो बजट पेश हुआ संसद में। संसद में बजट पेश होते के साथ कई सारे ऐलान हुआ, जिसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनके लिए एक यानी खासकर एक ऐलान किया गया जो पासपोर्ट के लेकर है, ई पासपोर्ट। अब इसके अंदर क्या है, हालांकि इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे ई पासपोर्ट होगा या कैसे बनेगा, लेकिन जो बजट में कहा गया है उसके हवाले से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या क्या कहा गया है। दूसरी अपडेट है दोस्तों, कुवैत में लगातार 9 दिन की छुट्टी है और जो वहाँ के प्रवासी है उनको बहुत ही फायदा होने वाला है इस छुट्टी से। क्या क्या है इसका भी डिटेल दे दूंगा दोस्तों। और यूएई से खबर आ रही है दोस्तों, जो लेबर लॉ है उसमें कुछ रिफॉर्म किया गया है, यानी बदलाव किया गया है। अब क्या बदलाव है ये हम देखेंगे आगे। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। भारत में नई बजट के पेश होने के साथ ही यहाँ पर रहने वाले वैसे लोगों के लिए एक तोहफा दिया गया है जो विदेशों में काम करते हैं या जिनका आना जाना विदेश में लगा रहता है। नए बजट में प्रवासी कामगारों के लिए नए तोहफे दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसी साल से भारत में इलेक्ट्रॉनिक चिप युक्त पासपोर्ट जारी करना शुरू किया जाएगा, जिससे कि भारतीय लोगों को विदेश में इमिग्रेशन काउंटर पर ज्यादा वक्त नहीं बिताना होगा। इससे पहले भी भारत में इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा सरकारी प्रेस में इसकी प्रिंटिंग की तैयारी शुरू की जा चुकी है दोस्तों। अब ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जल्द ही नए पासपोर्ट चिप आधारित हो जाएगा और पुराने जो पासपोर्ट है वो काम करते रहेंगे, हालांकि उनका रिन्यूअल करवाने पर उन्हें उपयुक्त पासपोर्ट के नए चिप आधारित कॉपी सौंपी जाएगी। दूसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों कुवैत से। कुवैत में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ये है कि मिली जानकारी के अनुसार कुवैत पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी के लिए 27 फरवरी से 5 मार्च तक 9 दिन की छुट्टी लगेगी। न्यूज एजेंसी ने इस बात की घोषणा की है। आपको बताते चले दोस्तों कि सोमवार को हुई मीटिंग के दौरान इस बात का फैसला लिया गया है कि इंडिपेंडेंट डे और लिबरेशन डे और अल असरा अल मेराज के मौके पर छुट्टी की घोषणा की गई है। सरकार के प्रवक्ता तारिक अल मजरिम ने इस बात का बयान दिया है कि रविवार 6 मार्च से फिर से अपने समय पर काम शुरू हो जाएगा। तीसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों, दुबई यूएई से संयुक्त अरब अमीरात में 2 फरवरी से नए यूएई लेबर लॉ लागू होने जा रहे हैं दोस्तों। इनमें से कुछ नियम नियुक्ता पर कड़ाई के लिए भी बनाया गया है। आर्टिकल 58 से 64 तक के नियुक्ता के लिए नियम है। गलत कागजात पर नौकरी देने वाले नियुक्ता पर यानी 1 लाख दिरहम का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही बिना परमिट के काम देने वाले नियुक्ता पर 2 लाख का जुर्माना यानी दिरहम 2 लाख दिरहम जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नियुक्ता को जेल की भी सजा हो सकती है। कम उम्र के बच्चे को काम पर लाना और उम्र के गलत जानकारी देना भी अपराध है। परमिट का गलत इस्तेमाल पर 2 लाख दिरहम से लेकर 1 मिलियन तक का जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों ये कुछ अपडेट था और मुझे उम्मीद है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।